अभी तक हम लोगों ने कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज देख लिया था अब हम लोग स्टार्ट करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थ्री रिवाइज कैश फ्लो स्टेटमेंट इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज डिफाइंड एज फॉलोज कैश फ्लो स्टेटमेंट को इन्वेस्टिंग एक्टिविटी uh, से किस तरीके से डिफाइन किया जा रहा है उसको समझते हैं हम लोग इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज ऑफ एन एंटरप्राइज आर एक्विजिशन एंड डिस्पोजल ऑफ द लॉन्ग टर्म असेट्स एंड अदर इन्वेस्टमेंट्स नॉट इंक्लूडिंग कैश इक्ुअलेंस ठीक है तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या होती है कि एक्विजिशन मतलब होता है कि जब हम किसी चीज को ले रहे होते हैं और डिस्पोजल मतलब होता है जब हम उसको दे रहे होते हैं या एक्विजिशन uh, मतलब परचेज और डिस्पोजल मतलब सेल ठीक है ऑफ लॉन्ग टर्म एंड अदर इन्वेस्टमेंट्स लॉन्ग टर्म एसेट्स एंड अदर इन्वेस्टमेंट जिसमें कि कैश इक्वलेंट्स इंक्लूड नहीं होता है इसी एक्टिविटीज को बोलते हैं हम लोग इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज ठीक है दस कैश फ्लो एंड कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो रिलेटिंग टू द फिक्स एसेट्स शेयर्स एंड डेप्ड इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ अदर इंटरप्राइज एडवांस एंड लोन्स ऑफ थर्ड पार्टीज एंड ऑल्सो देअर रीपेमेंट आर ऑफ द एंटरप्राइज आर क्लासिफाइडर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी इन देशलेस स्टेटमेंट तो जो भी कैश इनफ्लो या आउटफ्लो होता है जो कि फिक्स एसेट से शेयर से डिवेंचर इंस्ट्रूमेंट सॉरी डेप्ट इंस्ट्रूमेंट से ऑफ अदर इंटरप्राइज एडवांस एंड लोन्स ऑफ थर्ड पार्टीज ऑल्सो देर रिपेमेंट्स और क्लासिफाइड और शोन अंडर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी इन द फ्लो स्टेटमेंट ये यही सब जो है कैश इन फ्लो आउटफ्लो से रिलेट करता है ठीक है आगे बढ़ते हैं कैश फ्लो फॉर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी शोन सेपरेटली बिकॉज इट शोज द एक्सटेंट टू विच इन्वेस्टमेंट हैसेज फॉर जनरेटिंग रिवेन्यू एंड कैश फ्लो इन फ्यूचर तो जो कैश फ्लो होता है इन्वेस्टिंग फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी उसको हम लोग सेपरेटली शो करते हैं क्योंकि ये जो uh, इसका जो एक्सटेंड होता है वो इससे इस, uh, जो भी हम इन्वेस्टमेंट uh, करते हैं जिन भी रिसोर्सेज में किसके लिए करते हैं रिवेन्यू जनरेट करने के लिए और कैश फ्लो जनरेट करने के लिए फ्यूचर में जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं उनके थ्रू ठीक है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज सटेन बाय एनालिसिस द चेंज इन फिक्स एसेट्स एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स इन द बिगनिंग एंड एट द एंड ऑफ द ईयर जो कैश फ्लो फ्राम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होता है उससे हम क्या एनालाइज करते हैं जो भी हमारी फिक्स एसेट्स और जो हमारा इन्वेस्टमेंट है ठीक है लॉन्ग टर्म उसमें क्या चेंजमेंट आया है ये हम लोग देखते हैं चाहे वो बिगनिंग ऑफ द ईयर हो या एंड ऑफ द ईयर हो ठीक है इन केस अमाउंट से ऑफ परचेज और सेल ऑफ फिक्स एसेट्स एंड आर नॉट गिवन किसी भी केस में अगर सेल या परचेज दी है फिक्स एसेट्स की लेकिन हमें उसमें डेप्रिसिएशन नहीं दिया हुआ है तब हम क्या करेंगे द रिक्वायर्ड अमाउंट मे बी डिटर्माइंड बाय प्रिपेयरिंग फिक्स एसेट्स अकाउंट विद अवेलेबल इन्फॉर्मेशन ठीक है जो हमारा रिक्वायर्ड अमाउंट है दैट इज डेप्रिसिएशन उसको हम लोग फिक्स अकाउंट बनाएंगे उससे डिटरमाइन करेंगे जो भी दी हुई है उसके साथ अब आते हैं हम लोग कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी देखते हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कैसे निकालते हैं हम लोग सबसे पहले एक कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी देख लेते हैं तो इसमें जो जितनी भी तरीके से हमें कैश मिल रहा है ठीक है जैसे Proceeds from sale of tangible or intangible fixed assets. Proceeds from sale of investment other than marketable security. Loans and advances, short term or long term repayment received, receipts of income from investment, that is non-current, and current investment other than marketable security. Theek hai. Rent received from property held as investment. डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर इंटरेस्ट रिसिव ऑन डिवेंचर्स इस तरीके की जो भी हमारी कैश इनफ्लो की एक्टिविटीज हो गए जिससे कैश हमारे पास आ रहा है ठीक है तो ऐसी एक्टिविटी हो गई हमारी कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ठीक है बी पॉइंट आता है हमारा कैश यूज़ इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी अब हम क्या जो कैश जनरेट हुआ है उससे हम क्या खर्च कर रहे हैं ठीक है उसको देखते हैं हम लोग पेमेंट फॉर परचेज ऑफ टेंजिबल और इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स जो भी पेमेंट कर रहे हैं हम लोग किसके लिए परचेज ऑफ टेंजिबल और इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स पेमेंट फॉर परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट नॉन करेंट एंड करेंट इन्वेस्टमेंट अदर द मार्केटेबल सिक्योरिटी ठीक है मार्केटेबल सिक्योरिटी को छोड़ के जो भी नॉन करेंट और करेंट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं हम लोग ठीक है लोन्स एंड एडवांस गिवेन जो भी लोन या एडवांस हम लोग दे रहे हैं ठीक है तो ए पॉइंट हो गया हमारा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बी पॉइंट हो गया हमारा कैश यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी अब सी पॉइंट क्या होगा हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ठीक है इफ ए इज मोर देन बी अगर कैश फ्लो कैश यूज से ज्यादा है ठीक है तो वह आ जाएगा और यूज इन में अगर बी जो कैश यूज है कैश फ्लो से ज्यादा है तो वो आ जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ठीक है अब आगे देखते हैं कि डिटरमाइनिंग मिसिंग वैल्यू ऑफ़ की मिसिंग वैल्यू जो है उसको कैसे डिटरमाइन करें सेल परचेज गेन प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ़ डेप्रिसिएशन सेल ऑफ डेप्रीसीड एसेट इज शोन एट रिटर्न डाउन वैल्यू जो फिक्स एसेट्स है वो रिटर्न डाउन वैल्यू के तरीके शो कर रहे हैं हम लोग ठीक है एसेट्स अकाउंट इज क्रिएटेड विद द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर ठीक है जो एसेट्स अकाउंट है वो क्रेडिट हो जाता है विद द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर जिस साल का उस साल में डेप्रिसिएशन अमाउंट के साथ ही उसको क्रेडिट कर देते हैं सेल प्रोसीड ऑफ फिक्स एसेट्स एंड लॉस इफ एनी और जो सेल प्रोसीड है फिक्स एस सॉरी एसेट्स की और जो लॉस है अगर कोई भी अगर होता है तो इन सबको क्रेडिट कर देते हैं ऑन द अदर हैंड गेन इज डेबिटेड टू इट जो गेन होता है उसको डेबिट कर देते हैं बैलेंस इज द रिटेन डाउन वैल्यू ऑफ एसेट्स विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड द बुक वैल्यू जो बैलेंस होगा वो क्या होगा हमारा रिटेन डाउन वैल्यू होगा जिसको हम लोग बुक वैल्यू भी बोलते हैं ठीक है तो जो फिक्स एसेट्स अकाउंट बनेगा एट रिटर्न डाउन वैल्यू वो कैसे बनेगा इसको देखते हैं हम लोग तो देखिए फिक्स एसेट्स अकाउंट किस तरीके से बना है हमारा डेबिट साइड है क्रेडिट साइड है ठीक है बैलेंस डाउन जो भी बैलेंस था हमारा एसेट्स का वो आ गया यहाँ पे जो भी गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स है और जो भी परचेज हम लोग कर रहे हैं वो यहाँ पे आ गया ठीक है बाय बाय बैंक, बैंक अकाउंट सेल ऑफ फिक्स एसेट जो भी सेल कर रहे हैं वो इधर आ गया सेल ऑफ फिक्स एसेट डिप्रिशिएशन अकाउंट और बैलेंस कैर ठीक है तो जो लॉस और जो प्रॉफिट है इन दोनों में से कोई एक अकाउंट ही हमें मिलेगा यहाँ पे ठीक है अब कुछ नोट्स दिए गए इसमें उसको देख लेते हैं ये तो हमारा फॉर्मेट था फिक्स एसेट्स अकाउंट एट रिटर्न डाउन वैल्यू का ठीक है अब कुछ नोट्स है उसको समझ लेते हैं जनरली परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स इज बैलेंसिंग अमाउंट ऑन द डेबिट साइड ऑफ द अमाउंट सॉरी अकाउंट एंड सेल ऑफ फिक्स ऑन द क्रेडिट साइड एट दीक है जो परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स होता है वो क्या होता है बैलेंसिंग अमाउंट होता है डेबिट साइड का और डेप्रिसिएशन और सेल ऑफ फिक्स एसेट्स होता है वो क्या क्रेडिट साइड का बैलेंसिंग अमाउंट होता है ठीक है

उनको सिर्फ ये डिटरमाइन करना होता है कि सेल या परचेज एसेट्स की वो क्या है ठीक है इफ बोथ सेल एंड डेप्रिसिएशन आर नॉट गिवन देन एज्यूम इट इज आइदर सेल और डेप्रिसिएशन एंड गिव योर एजम्पन ठीक है अगर ये सेल और डेप्रिसिएशन दोनों ही नहीं दिया गया है ठीक है तो हमें ये एज्यूम करना है कि या तो सेल होगा या डेप्रिसिएशन होगा और हमें अपना जो एजम्शन हमने लिया हमने जो भी एज्यूम किया उसको हमें देना होगा इन द केस ऑफ लैंड इट शुड बी एज्यूम दैट इट इज सेल एज सेलिएशन इज नॉट चार्ज ऑन लैंड ठीक है अगर लैंड दी हुई है तो हमें यह एज्यूम करना है कि ये क्या है सेल है एज डेप्रिसिएशन इज नॉट चार्ज ऑन लैंड जो डेप्रिशिएशन uh, वो लैंड पर चार्ज नहीं किया गया है इन द केस ऑफ पेटेंट्स गुडविल एंड ट्रेडमार्क इट शुड बी एज्यूम दैट द अमाउंट इज एमोटाइज ठीक है जिसको हम लोग रिटर्न ऑफ बोलते हैं क्लियर है आगे देखते हैं इसी में जो अभी हमने केस फंड पढ़ा है उससे रिलेटेड हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं जैसे ग्लोबल लिमिटेड हैज मशीनरी रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ विच ऑन फर्स्ट अप्रैल वॉज एट लैक सिक्सटी थाउजेंड एंड ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च नाइन वॉज नाइन थाउजेंड डेप्रीसी फॉर द इयर वॉज रुपीज फोर्टी थाउजेंड इन द बिगिनिंग ऑफ द इयर एंड आइटम ऑफ मशीनरी फॉर ट्वेंटी फाइव थाउजेंड विच हैड रिटेन डाउन वैल्यू ऑफ ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कैलकुलेट तो सबसे पहले कैश फ्लो फॉर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हम लोगों ने देख लिया परचेज ऑफ पेमेंट ऑफ मशीनरी ठीक है अब इसको हम मशीनरी अकाउंट से हम लोग देख लेंगे किस तरीके से हमने इसको परचेज किया है ठीक है तो सिंपल है बैलेंस ब्रॉड डाउन करेंगे हम लोग जो कि फर्स्ट अप्रैल का ओपनिंग बैलेंस था हमारा एट लैख सिक्सटी थाउजेंड ये आ गया हमारा ठीक उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं बाई बैंक करेंगे जो भी हम सेल कर रहे हैं ठीक है एन आइटम ऑफ मशीनरी वॉज सोल्ड फॉर ट्वेंटी जिसको हम लोगों ने यहाँ पे क्रेडिट कर दिया ठीक है उसके बाद हम क्या देख रहे हैं कि एन आइटम ऑफ मशीनरी वॉज सोल्ड फॉर ट्वेंटी फाइव थाउजेंड ये जो ट्वेंटी फाइव थाउजेंड की हमने मशीनरी का कुछ पार्ट जो सेल किया है ठीक है उसकी जो बुक वैल्यू थी वो कितनी थी हमारी ट्वेंटी थाउजेंड थी तो इट मीन्स हमने उसको प्रॉफिट पे सेल किया है तो जो प्रॉफिट आया है इस पे पांच फाइव फाइव थाउजेंड का उस प्रॉफिट को हम लोगों ने यहाँ पे डाल दिया डेबिट कर दिया ठीक है उसके बाद क्या देख रहे हैं हम लोग डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर इज फोर्टी थाउजेंड जो डेप्रिसिएशन था उसको डाल दिया क्रेडिट साइड में फोर्टी थाउजेंड जो हमारा इयर था ठीक है उसके बाद क्या कह रहा है कि थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड नाइनटीन फर्स्ट अप्रैल को देखा हमने नेक्स्ट देख रहे थर्टी फर्स्ट मार्च नाइनटीन इसका हमें क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है नाइन लाख फिफ्टी थाउजेंड तो क्लोजिंग बैलेंस हमने यहां पे डाल दिया बैलेंस कैरी डाउन नाइन लाख फिफ्टी थाउजेंड अब जब हम इसको बैलेंस करेंगे तो जो भी डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा हमारा परचेज अकाउंट में जाएगा ठीक है जो डिफरेंस आएगा वो हमारा परचेज अकाउंट में जाएगा तो मीन्स जो डिफरेंस आया हमारा वन लाख फिफ्टी थाउजेंड का वो आ गया हमारा परचेज अकाउंट में ठीक है तो सिंपल है प्रोसीड फॉर परचेज ऑफ मशीनरी आ गया यहाँ पे वन लाख फिफ्टी थाउजेंड प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ मशीनरी आ गया यहाँ पे ट्वेंटी फाइव थाउजेंड मशीनरी सेल करके हमें इतना मिला और परचेस करके इतना मिला ठीक है कैश यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आ गया हमारा क्लियर है क्योंकि हमारा ये ज्यादा है ये काम है ठीक है क्लियर है ये सबको ठीक तो ये हमारा आ गया कैश यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्लियर है <coughs> आगे बढ़ते हैं इसी में मशीनरी कारण हम लोगों ने देख लिया कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कैसे निकालना है इसको भी देख लिया हम लोगों ने अब जो नेक्स्ट केस है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसको ठीक है तो अभी आपके लिए इतना ही